वंदे मातरम स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन की सीरीज शुरू करी थी तो ये उसका दूसरा लेक्चर। अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट आ चुके होंगे तो पहले पहला लेक्चर देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, उसको पहले देख लीजिए फिर ये आपको समझेगा। तो देखिए, जैसे कि मैंने बताया था अपनी पहली मेथड चल रही थी डायरेक्ट मेथड। अब उसमें करना क्या है अपने को, सबसे पहले एक्स और वाई के साथ अपने को जेड नहीं होना। देखो पहले दो रेशो एक्स है वाई है, जेड है यहाँ पे, तो जेड क्या हो रहा है यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, जेड क्या हो रहा है यहाँ पे कैंसिल हो रहा है। तो सबसे पहले अपन इन दोनों को लेंगे, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे अपन, इसके लिए हो जाएंगे गिवन, ठीक है। सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, देखो डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर जेड इज इक्वल डी वाई अपॉन एक्स जेड। अब दूसरा रेशो लेना अपने, एक तो ले लिया अपन, दूसरा लेंगे, दूसरा कैसे लेंगे देखो, ये दोनों देखो पहले वाई है जेड है, कौन नहीं होना एक्स नहीं होना। अब x है यहाँ पे, x कैंसिल हो सकता है यहाँ पे, इसको रिमूव कर सकते हैं अपन, नहीं कर सकते, इसलिए अपन क्या करेंगे अपने पास एक और है, ये दोनों को देखो यहाँ पे y square क्या हो रहा है कैंसिल, x और z के साथ z है और यहाँ पे अब y, तो ये दोनों को लेंगे अपन, ठीक है। लो इसको dx upon क्या हो जाएगा ये y square z is equal to dy upon dz upon y, ठीक है। देखो यहाँ पे z और z कैंसिल हो रहा है, पहले अपन इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। ध्यान दो बराबर, ध्यान दो वीडियो का अंत तक रही है, पूरा वीडियो समझना। x को dx की तरफ भेजिए is equal to y square dy, ठीक है। सॉल्यूशन निकाला, इंटीग्रल कर निकालना मतलब क्या होगा ना, सॉल्यूशन निकालना, इसको क्या करेंगे अपन इंटीग्रेट करेंगे ऑन x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, y स्क्वायर का y क्यूब बाय 3 और उसके बाद लेंगे अपन c 1, ठीक है। अब ये दूसरा यहाँ पे y स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे रहेगा सिर्फ dx और z के पास चले जाएगा dz के पास चले जाएगा z, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब क्या हो जाएगा dx का इंटीग्रेशन होता है x, z का इंटीग्रेशन होता है z स्क्वायर बाय 2 और कुछ भी नहीं मतलब यहाँ पे क्या ले लेंगे अपन c 2 लेंगे, ठीक है। अब खत्म, इसको अपन दोनों का ये क्या होता है LCM 6 होता है, तो ये रहेगा 3x स्क्वायर, इसको सॉल्व करें तो अपन ने और यहाँ पे जो माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू सी 1, ठीक है। और ये हो जाएगा अपना 2x, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे के पूरे इज इक्वल टू माइनस z स्क्वायर इज इक्वल टू सी 2, ठीक है। अब यहाँ पे सी 2 आएगा, 2c2 आएगा, 2c2 को अपन c2 ही लिख सकते हैं, ठीक है। कॉन्स्टेंट को अपन कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं, आपको पता है सेवन स्टैंड सॉरी 12 स्टैंडर्ड में आप लोगों ने करेंगे, और यहाँ पे 6c1 आएगा, 6c1 इज इक्वल टू क्या होता है तो उसको c1 इक्वल किया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, अब देखिए सेकंड सम कैसे दिया। अब ये जो दूसरा सम है इसको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। अपने को दो सॉल्यूशन निकालना है, तो पहला सॉल्यूशन अपन डायरेक्ट मेथड से निकालेंगे और वही सॉल्यूशन को यूज करके अपन इसकी दूसरा सॉल्यूशन निकालेंगे, मतलब पहले पहले डायरेक्ट मेथड से अपने को पहला सॉल्यूशन मिलेगा, समझो बराबर। डायरेक्ट मेथड से अपन अभी दूसरी मेथड कर रहे हैं, ठीक है। इसकी पहली स्टेप क्या है, डायरेक्ट मेथड से अपने को पहला सॉल्यूशन मिलेगा और इस पहला सॉल्यूशन का अगर यूज हो रहा है तो अपन दूसरा सॉल्यूशन निकालेंगे, अगर नहीं हो रहा है तो अपने को तीसरी मेथड यूज करना पड़ता है, वो बाद में देखेंगे। अब ये सब अपने को कैसे करेंगे अपन, देखो ध्यान दो अपने कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो एक्स और वाई के साथ थे के जेड नहीं है, वहां पे यार वाई और एक्स के साथ थे के जेड दो तीन एग्जाम्पल हो चुके अपने dx upon 1 is equal to dy upon minus 2, भेज दो उसको इधर minus 2 dx is equal to 1 dy on integrating, इंटीग्रेट कर दो तो ये हो जाएगा minus 2x, ठीक है। और ये हो जाएगा अपना इधर क्या है 1y plus c1, minus 1 से मल्टीप्लाई कर दो सबको तो ये हो जाएगा 2x is equal to minus y plus minus c1, ठीक है। इसको ये इधर आ जाएगा 2x plus y minus c1 को हम लोग c1 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। c1 को अपन एडजस्ट कर सकते हैं, 2x plus y is equal to क्या बन गया c1। अब देखिए आप लोग 2x plus y, अब मैं इस 2x plus y को क्या रखूंगा c1 रखूंगा, इन दोनों में हो गया ये लोग क्या, और ये दोनों को रखूंगा मैं, ये दोनों को यहाँ पे x वाली टर्म है और ये y वाली टर्म क्या हो रही है, ठीक है बेटा।
ऐसा इजी है, ज्यादा टेंशन वाले लेने वाली बात नहीं है, बीएससी हार्ड है बोलते बच्चे। ठीक है देखो क्या है यहाँ पे, डी एक्स अपॉन वन इज इक्वल टू, ये सेकेंड पार्ट है ठीक है, ये पहला पार्ट था, डी जेड अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर इंटू साइन टू एक्स प्लस वाई। ठीक है इट इम्प्लाइज क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर वन देखो, इसकी जगह क्या लेंगे, डी एक्स अपॉन वन इज इक्वल टू डी जेड अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर साइन सी वन। ठीक है क्या आ गया, थ्री एक्स स्क्वायर साइन सी वन, कैसे टू एक्स प्लस वाई के लिए, इसको यहां से लिख लेंगे अपन फ्रॉम, रीजन दे देना फ्रॉम वन। ठीक है इसको इधर दीजिए, इसको उधर दीजिए, तो क्या हो जाएंगे थ्री एक्स स्क्वायर इंटू साइन सी वन डी एक्स इज इक्वल टू वन डी जेड, क्या कर लेंगे इंटीग्रेट कर लेंगे पूरा का पूरा, ये और ये क्या है कॉन्स्टेंट है, थ्री साइन सी वन जैसे का वैसा एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन थ्री। ठीक है और डी जेड को देंगे जेड प्लस दूसरा को कॉन्स्टेंट ले लेंगे सी टू, जैसे थ्री से थ्री कैंसिल, यहाँ पर जाएगा एक्स क्यूब इंटू साइन सी वन माइनस जेड इज इक्वल टू सी टू, अभी सी वन की वैल्यू अपने पास क्या है एक्स क्यूब इंटू साइन टू एक्स प्लस वाई है माइनस जेड इज इक्वल टू सी टू, दिस इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रल का, ये दोनों अपने को रिक्वायर्ड इंटीग्रल कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट निकाल लो इसका। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कैसे दिया है, तो इसके पहले अपन ने सेकंड मेथड से, सेकंड मेथड से एक एग्जांपल कर चुके हैं, पहली मेथड के अपने डायरेक्ट मेथड है, कौन सा दूसरा और जानना, पहली मेथड के अपने डायरेक्ट मेथड होते हैं, उसके अपन ने तीन एग्जांपल करे, उसके दूसरे मेथड अपनी अभी डायरेक्ट मेथड का यूज करके सेकंड मेथड का यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड का यूज करके सेकंड मेथड यूज करना, उसका भी दूसरा एग्जांपल चल रहा है अपने पास। ठीक है ठीक है कैसे करेंगे, ये क्या dx / x + z = dy / y = z + y2। ठीक है ये दोनों को लोगे, इसको लोगे ये दोनों को लोगे कि ये दोनों को लोगे, एक काम करो ये दोनों को ले लो, देखो यहां पे कौन है y है, है y है यहां पे z है, और z है ठीक है हो गया, y और z x से क्या पे नहीं है, तो अपन ये दोनों को ले सकते हैं। ठीक है लीजिए कैसा रहेंगे, तो अपन पहले स्टेप इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। ठीक है लिखो क्या हो जाएगा dy / y is equal to dz upon z plus y square, समझ गए पहले स्टेप बहुत इजी है, समझ गए कर सकते हो, पहले स्टेप बहुत इजी है कर सकते हो आप लोग आराम से कर सकते हो, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, भेजो इधर z plus y square is equal to y dz। ठीक है into dy ना is equal to dy से मल्टीप्लाई करो, ठीक है क्या करना, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, y मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा z dy plus y square dy is equal to y dz, is equal to जैसे का वैसा, देखो ये साइड वाला है ये साइड है, इसको इधर भेजो y square dy is equal to y dz minus z dy। ठीक है तो ये अपने को dy को जैसे का वैसा रखो y dz minus z dy upon y square। ठीक है y square इसके साथ था, y square किसका था मल्टीप्लिकेशन था, y square मल्टीप्लाई बाय dy था, ये किसका था मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन करके क्या आ जाएगा डिवीजन बन जाएगा। अब एक बात ध्यान दो, बोले आप लोग क्या लिखा है रिकॉल लिखा है, रिकॉल इसके पहले हम लोग अपन लोगों ने पढ़े हैं, देखो x dx + y dy = z dx d of x y, मतलब प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं अपन, मतलब अपन निकाल देते हैं dx of, अगर अपने को क्या निकालना x into y निकालना तो अपन करते हैं फर्स्ट फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, द सेकंड फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट, या अपन ऐसे भी करते हैं dx of u v करते हैं अपन। ठीक है अब u v कैसे करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू dv / dx ठीक है प्लस सेकंड फंक्शन v into du / dx, ऐसे अपन क्या करते हैं प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं, प्रोडक्ट रूल का सोचते हैं भाई का क्वेश्चन रूल, ठीक है प्रोडक्ट रूल का सोचते हैं भाई क्वेश्चन रूल, क्वेश्चन रूल में ध्यान रखना आप नीचे क्या तो y स्क्वायर है, यहां पे y स्क्वायर यहां पे y स्क्वायर, देखो y dx - x dy अपॉन, यहां पे देखो इसकी जगह क्या आ रहा है सिर्फ, देखो माइनस आ रहा है आगे पूरा का पूरा सेम, ठीक है और x की जगह y आता है यहां पे। ठीक है तो y dx - x dy अपॉन y स्क्वायर, तो ये हो जाएंगे d of x अपॉन y, क्या हो जाएगा डिफरेंशियल ऑफ x अपॉन का, नीचे y है तो नीचे y लिखना, क्योंकि नीचे गए y है तो y लिखना, बचा हुआ ऊपर लिखना। ठीक है सेम यहां पे x की जगह y लिख दिया, तो यहां पे x की जगह y आ गया, y की जगह x आ गया, ये फार्मूला यहां पे यूज हो रहा है। देखिए y dz दो वेरिएबल है, z और y दो वेरिएबल है, ठीक है z और y दो वेरिएबल है, y के साथ dz है, z के साथ dy है, x और y दो वेरिएबल है, y के साथ dx है, x के साथ dy, समझ रहे हो, समझने की कोशिश करो, बहुत इजी है y dz, ठीक है y dz - z dy ठीक है अपॉन y स्क्वायर, तो नीचे क्या आ जाएगा ये dy को जैसे का वैसे लिखो, dy को जैसे का वैसे लिखो इज इक्वल टू क्या है यहां पे नीचे क्या d ऑफ, नीचे है y
लिख देंगे बार बचो कौन सेट लिख दे अब कर लो इंटीग्रेटिंग ऑन इंटीग्रेटिंग ऑन इंटीग्रेटिंग बहुत इजी हद से ज्यादा इजी है टेंशन ना ले फिर मिल जाएगा वाई इज इक्वल टू क्या लेना डी आ जाएगा जेड अपन वाई आ जाएगा प्लस सी वन आ जाएगा ठीक है समझ लो नीचे बार है वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे वाई से मल्टीप्लाई करने के लिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड प्लस सी वन ठीक है यहाँ से अपन जेड की वैल्यू निकालेंगे तो जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस सी वन ठीक है या तुम लोग हाँ वाई स्क्वायर माइनस सी वन अपन कर सकते हैं या अपन इसको इसको पहले इधर भेज दिए तो क्या हो जाएगा y माइनस जेड अपॉन y इज इक्वल टू सी वन ऐसा लिख सकते अपन इसको ठीक है y से मल्टीप्लाई करके ले जाएगा y स्क्वायर जो जाएगा y से मल्टीप्लाई करके अपन ने जो जाएगा y स्क्वायर माइनस एक y कैंसिल और c1 y ठीक है इसमें से अपने को z की वैल्यू मिला तो क्या हो जाएगा z इज इक्वल टू हो जाएगा ये y स्क्वायर माइनस c1 y ये मिल गया आपको z की वैल्यू यहां तक मिल गया ये z की वैल्यू अपन यहां पे पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे ठीक है इसको y को जैसे कैसे देखो y dx इसको इधर x के मल्टीप्लाई कर दो dy मल्टीप्लाई x क्या होगा tan dy प्लस y स्क्वायर मल्टीप्लाई dy का y स्क्वायर dy माइनस c1 y into dy हो जाएगा ठीक है अब क्या आ गया ये y स्क्वायर दिख रहा है यहां पे ठीक है पहले क्या करो x dy को इधर भेज दो हो जाएगा y dx माइनस x dy ये y स्क्वायर dy जैसे का वैसा रहेगा माइनस c1 y जैसे का वैसा dy जैसे का वैसा ठीक है अब अपने पास फॉर्मूला था क्या था देखो क्या था अपने पास फॉर्मूला y dx माइनस x dy अपॉन y स्क्वायर इसके पहले इसके थोड़े देर पहले मैंने बताया तो ये हो जाएगा d ऑफ x अपॉन y नीचे वाले तो y लिख दो बच्चा वो बोले x को लिख दो उसको अपने ठीक है तो अपन यहां पे कर देंगे dividing by y स्क्वायर ठीक है तो हो जाएगा y dx माइनस x dy अपॉन y स्क्वायर ठीक है और ये हो जाएगा y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा यहां पे सब बचेगा dy और यहां पे बचेगा 1 अपॉन y into c1 ठीक है अब इसका ये क्या हो जाएगा d ऑफ x अपॉन y हो जाएगा ये जैसे का वैसा रहेगा dy जैसे का वैसा माइनस 1 अपॉन y into 1 अपॉन y into c1 into dy अब ये हो गया पूरी पूरी तरह से इंटीग्रेशन के लिए तैयार और अब कर दो इसको इंटीग्रेट इंटीग्रेटिंग ठीक है तो ये d कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू ये हो जाएगा सिर्फ y ये हो जाएगा माइनस log y into c1 plus c2 समझ गया अब इसको थोड़ा अपन एडजस्ट कर लेंगे नीचे y है तो मल्टीप्लाई बाय y ठीक है तो ये आ जाएगा x is equal to y square minus c1 y into log y plus c2 y अब c1 की वैल्यू यहां से क्या होंगी वो निकालो इसको इधर भेज दो इसको इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा y square जैसे का वैसा रखो माइनस ये y square को जैसे का वैसा रखो ये वाला ठीक है ये इधर आ गया तो हो जाएगा माइनस जेड सी वन वाई उधर चलेगा वाई नीचे आ जाएगा तो ये जाएगा वाई ठीक है नहीं समझे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना मैं बता दूंगा ठीक है ये हो जाएगा इनटू वाई लॉग टू वाई प्लस सी टू वाई ये वाई से वाई कैंसिल जो आपने एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस जेड इनटू लॉग वाई प्लस सी टू वाई ये है बेटा आपका फाइनल आंसर और इसी को बोलेंगे अपन इंटीग्रल कर्व और देखेंगे इसके पहले अपन जो देखे थे रिक्वायर्ड इंटीग्रल कर्व्स आर और उसको दोनों को एक बार नीचे लिख लेंगे ठीक है तो आपकी जो मेरी एज लगभग सेम है ठीक है तो मेरे मेहनत को मद्देनजर रखते हुए आपको अगर समझा होगा इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए विजय के गहराई के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।